रागनी होगी महाभारत। और उसमें बात की जब राजा शांतनु नदी पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक नाव चलाने वाले की लड़की जो नाव को चला रही है, फिदा हो जाते हैं उसके रूप और रंग को देख करके। इश्क का रोग बदन में चढ़ जाता है, पैरवानो मन नहीं लग रहा है घर पे, कभी कहीं और कभी कहीं। राजा शांतनु का लड़का है देवर, पूछने लगे पिताजी ऐसा क्या हुआ है, मैं कई दिन से देख रहा हूं कि आप खिन्न मन से रहते हैं, उदास मन है आपका, क्या कारण है मुझे बताइए। तो किस तरह से बाप और बेटे के क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या राजा शांतनु कह रहे हैं और क्या देवर। आइए इस रागिनी को लेकर के ज्ञानेंद्र सरथाना प्रहलादपुर फरीदाबाद वे भाई हरिंदर नागर हस्तनापुर। क्या बताया भला, अरे यो हस्तनापुर का चांद आज क्यों, और कोप भवन में पड़ा हुआ। सुन ले बेटे, और ना कहने की बात पुत्र कोई कर्म अगाड़ी अड़ा हुआ। ओ पिताजी रे बात का आज निखार करूं। सर्द और
करनी चाहिए शर्म नहीं हो। करनी चाहिए शर्म नहीं के बहन गात में बड़ा हुआ। और ना कहने की बात पुत्र कोई करम अगाड़ी अड़ा हुआ। ओ पिताजी रे लाडले हो पिताजी रे लाडले हो। तुम पे नाज पिता हो मैं करता तुम पे नाज पिता अज अर्ज करूं सुखड़ा हुआ। कोई ना कहने की बात पुत्र कोई करम अगाड़ी अड़ा हुआ। ओ पिताजी रे भेद खोल के आप कहो। और नैया वाली लूट गई दिल अब पुण्य कहो चाहे पाप कहो। और राजा और महाराजाओं का चढ़ा हुआ इसे ताप कहो। हरेंद्र नगर ज्ञानेंद्र सरधना की लगी मिले सदा छाप कहो। हरेंद्र नगर ज्ञानेंद्र सरधना की लगी मिले सदा छाप कहो। नरेश चंद कौशिक साहब कहो हो रे 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 रे। नरेश चंद कौशिक साहब कहो यो तो नाग इश्क का लड़ा हुआ। और ना कहने की बात पुत्र कोई करम अगाड़ी अड़ा हुआ। ओ पिताजी रे का चार